आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। हजारीबाग में अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हमले के खिलाफ जमशेदपुर के करीब 1200 अधिवक्ता मंगलवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा, साथ ही काला बिल्ला लगाकर अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले पर विरोध जताया। इसकी जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बस्ट ने बताया कि राज्य भर में आए दिन अधिवक्ताओं पर हमला हो रहे हैं। अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग वर्षों से की जा रही है, बावजूद इसके सरकार अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल साबित हो रही है। ऐसे में राज्य भर के अधिवक्ता अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जा सके। इधर अधिवक्ताओं के हड़ताल से मुवक्किलों की परेशानी बढ़ गई है। कई लोग केस में हाजिरी देने कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखने के कारण हाजिरी नहीं दे सके। वहीं अधिवक्ताओं के हड़ताल से ब्लॉक SDS व सेल टैक्स कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित रहा। के रूप में हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है, क्योंकि पिछले विगत एक दो वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के ऊपर में जो अटैक किया गया, उसमें एक दो अधिवक्ता की मृत्यु भी हो गई। और अभी जस्ट 30 तारीख की घटना हुई झारखंड में, झारखंड के आपके हजारीबाग में बार काउंसिल के मेंबर के ऊपर में, और उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जिससे आहत होकर हमारे बार काउंसिल के सदस्यों ने एक इमरजेंट मीटिंग बुलाई और ये विरोध स्वरूप हमने काला बिल्ला लगाया और अपने आप को आज एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग रखा। और इसी का एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ आज देने आए थे। साथ ही हम लोगों ने मांग किया है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। आगे अगर ऐसी नहीं मांग होती तो आगे क्या करना? आगे अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा तो हमारे जो पैरेंटल बॉडी हैं उनसे मिलने के बाद जो दिशा निर्देश तय की जाएगी उसी आधार पर हम लोग आगे का आंदोलन चलाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।